अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? यस मैम। अच्छा बच्चों, आप लोग को थोड़ा सा अच्छा बच्चों, सबको मेरी आवाज क्लियर हो गई है? कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? नो मैम, क्लियर है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता दूं तो माय नेम इज राबिया असलम, ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पहले मुझसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा। आप लोग सब डीएनएस के स्टूडेंट्स हैं? यस मैम। आपको पता है कि मुझे जो टास्क असाइन किया गया आप लोगों का सब्जेक्ट है वो बेसिकली बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी है। बट मेरी जो फील्ड है वो बेसिकली मैंने किया हुआ है MLS किया हुआ मेडिकल लैब साइंसेस में, देन मैंने MPhil किया हुआ है इम्यूनोलॉजी में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, ठीक है? और कुछ मेरे 4 to 5 मेरे पब्लिकेशंस भी हैं, और ये कि माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी जो है, आई थिंक अगर हम इसको बेसिकली अगर थोड़ा सा देखें तो माइक्रोबायोलॉजी मेजर बेसिक सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर सब हम डिविजन्स करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, बायोलॉजी आ जाता है, साथ में पैरासाइटोलॉजी आ जाता है, बैक्टीरियोलॉजी आ जाता है, ठीक है? तो हमारा जो बेसिकली है जो लेक्चर बेसिकली सब्जेक्ट जो कोर्स असाइन किया गया वो है बायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। मीन्स कि इसमें हमने दो चीजें डिस्कस करनी है, वायरसेस को डिस्कस करना है और साथ में हमने इसमें पैरासाइट्स को डिस्कस करना है, ठीक है? तो हमारा जो इसमें आपका जो हमारा जो वर्क प्लान कुछ भी है जो हम असाइन करेंगे उसमें पहले हम वायरसेस को डिस्कस करेंगे, और जो उसका कुछ इसमें हमारे पास फिर टेक्निक्स आती हैं लैब की टेक्निक्स, हम कौन कौन से लैब टेक्निक्स यूज करके इन वायरसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? वो आ जाएंगी। देन हमारे पास जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा, जो लास्ट होगा इसका पार्ट कोर्स का, वो हो जाएगा हमारा पैरासाइट्स के ऊपर, ठीक है? इस तरह से हमारा जो होगा पूरे कोर्स को ऑप्स होकर आप लोग से हमारा फिर अच्छा टाइम मिल जाएगा और इसको हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है? और वन मोर थिंग इज के आप लोगों का जो LMS है अभी क्योंकि एड ड्रॉप चल रहा है, ठीक है? तो एड ड्रॉप को जैसे ही एंड हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों का ग्रुप है वो बना लूंगी, और मीन्स के जो ईमेल के लिए कुछ भी तो उस पर भी मैं आप लोगों को ईमेल आपको रिकॉर्डिंग्स उस पर सेंड हो जाए करेंगी जो भी है, ठीक है? और सेकंड ये कि बेटा रिकॉर्डिंग्स जो है आप लोगों को मैं स्टार्ट में बता रही हूँ कि मैं जैसे ही लेक्चर एंड होगा मैं उसके विदिन 5 या 10 मिनट्स आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, बट आप लोगों ने उसको साइड बाय साइड डाउनलोड करना है। एट द एंड मुझे कोई स्टूडेंट ये ना कहे मैम मेरे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है, क्लियर? ठीक है, तो आप लोगों ने या इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आप लोगों ने किस तरह से रिकॉर्डिंग्स को अपने पास सेव करना है, क्योंकि आई थिंक 10 डेज के बाद या 1 वीक के बाद जो होती है रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती है। अब इतना तो आप लोगों का आइडिया होगा, ठीक है? और वन मोर थिंग बच्चों, आप लोगों का जो LMS है उसमें मैं आप लोगों की असाइनमेंट्स कुछ भी हमारे पास दो बेसिकली मोड ऑफ है जिससे हम एक दूसरे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक हमारा पास क्या जाएगा, फर्स्ट जो मेजर है वो ईमेल है, ठीक है? आप लोगों को मेरे से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी पूछनी है, कोई इश्यू है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है? देन आप लोगों के लेक्चर्स वगैरह जो हैं, लेक्चर्स वगैरह जितने भी आप लोगों के हैं, आप कोई होम टास्क या कोई आप लोगों का वर्क प्लान से वो अभी के लेक्चर्स अभी स्टार्ट है, तो उस टाइम में आप लोगों का LMS में जो काउंसलिंग कार्ड होंगे, आप लोगों का जो बनता है ये असेसमेंट प्लान, वो सब चीजें उस पर मैं ऐड करती जाऊंगी, ठीक है? अभी तो जस्ट उसमें मैं लेक्चर्स ही अपलोड करूंगी। और बच्चों एक और चीज, लेक्चर्स आप लोगों का LMS पे अपलोड हो जाएंगे या उसको मैं ईमेल कर दूंगी, प्लीज उसको लाजमी लिंक कीजिएगा, ठीक है? मेरा पढ़ाने का बिल्कुल ये पर्पज नहीं होगा कि मैं आप लोगों को बस पढ़ाती जाऊँ और आप लोग कुछ ना करें, क्लियर? और सेकेंड ये कि आप लोगों ने
आपको पता होगा पहले भी बहुत से डीएनएस के स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ी है बायोलॉजी पैरासाइटोलॉजी, इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरे क्या रूल्स हैं और क्या इस तरह से मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। बाकी जी के जो असेसमेंट्स हैं उन पर भी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हम उनको फाइनल करेंगे जब क्या क्या आपका क्विज होगा, असाइनमेंट्स होंगे, वीडियो प्रेजेंटेशन होंगे, कुछ भी, तो वो हम अभी जब हमारे पास उसका जब भी कोई उसका हमारे पास डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाएगा तो उसको हम फिर देख लेंगे, क्लियर है? यस मैम, यस मैम। और किसी ने कुछ पूछना है? जी बच्चों कुछ पूछना है किसी ने? जी क्लास? नो मैम। अच्छा बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर, ठीक है। बेसिकली अगर हम क्योंकि लास्ट वीक मुझे बेसिकली मुझे कोविड हो गया हुआ था, मैं 1 वीक लीव पे रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेरी तबियत जो थी वो खराब थी, बहुत सीवियर हुआ था मुझे, इसलिए सॉरी आप लोगों के लिए कि लास्ट वीक मैं आप लोगों के लेक्चर्स नहीं ले सकी, ठीक है। बट इंशाल्लाह अब हमारा जो है हम इसको स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे, ठीक है। मेरा यही कोशिश है कि आप लोगों का जितना भी हमारा टाइम मैक्सिमम अर्ली एज पॉसिबल मीन्स के जितने लेक्चर्स हैं कि आपके ये नहीं कि हम बिल्कुल एंड तक लेक्चर्स लेके चलें फाइनल तक, उससे जितना हम अर्ली पॉसिबल हो सकेगा हम लेक्चर्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। Yes, और अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर बेसिकली जो है वो हमारा बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने वायरसेस की बात करनी है। आपको पता है कि रमजान है, रमजान में बेसिकली वैसे टाइम शॉर्ट होता है और बच्चों मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा रमजान में, ठीक है। और इसीलिए 1 आवर की क्लास है तो आई थिंक अब हमें लेक्चर की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चों आज का जो मैंने आपको पहले बताया कि आज हम बात करेंगे किसकी, इंट्रोडक्शन की, ठीक है, कि हम वायरसेस को का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वायरसेस क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या है। अच्छा बच्चों एक और चीज कि आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो आप लोगों का कोर्स है इसमें बेसिकली ज्यादा चीज जो है वो मतलब रिमाइंड करने वाली, याद करने वाली, कंसेप्चुअल चीजें इसमें बहुत कम है क्योंकि इसमें हमने अगर वायरस की बात करनी है उसके हम अगर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे, हम उन्हें क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, हम उनका लाइफ साइकिल्स देखते हैं, तो वो सब चीजें आप लोगों को बेटर याद करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये सब्जेक्ट ड्राई लगता है क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल चीजें इतनी नहीं है, जो स्लाइड्स में है वो आप उसको आपको रीड आउट करना, आपको उसको याद करना है, ठीक है। हाँ जो हम लैब टेक्निक्स डिस्कस करेंगे वो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पर है, उसमें आप लोगों को पता होगा कि अच्छा ये टेक्निक किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से करते हैं, लेकिन अगर पैरासाइट्स की बात करेंगे तो उसमें भी क्या सिर्फ 4 to 5 चीजें हर एक चीज की। सबसे पहले अगर हम वायरसेस या पैरासाइट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम उसके फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि क्या जी इसका इंट्रोडक्शन वायरस से पैरासाइट है क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका साइज, उसका स्ट्रक्चर क्या है, देन उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, और एट द एंड ये उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये 7 to 8 हेडिंग्स ही हैं बेटा जो इसमें हमने कवर करनी है क्योंकि हम डिफरेंट वायरसेस की बात करेंगे पैरासाइट्स की तो उनकी यही मेन हेडिंग्स आती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे वायरसेस होते क्या है, तो आपको पता है कि बेसिकली वायरस अगर की हम बात करें तो आजकल सब किसी ना कोरोना ये भी क्या है एक वायरस है, तो इससे बड़ी बैड न्यूज क्या होगी कि हम लोगों को इतना ज्यादा कोरोना है हर जगह पे, दूसरे अदर कंट्रीज में इंडिया में ये वो क्या है बैड न्यूज है, और उसने उसको क्या किया हुआ है अपने प्रोटीन लैब में क्या किया हुआ है कवर किया हुआ है, ठीक है। इसलिए पैरासिटिक केमिकल्स होते हैं ये डीएनए पे भी हो सकते हैं आरएनए, मतलब उनको पता है कि दो तरह से या तो वो डीएनए बेस होंगे या फिर क्या होंगे वो आरएनए बेस होंगे। ये ऑब्लिगेटरी होते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, ये सेलुलर हो सकते हैं, ये अपनी कोई मीन स्किन के पास कोई अपना सेलुलर मैकेनिज्म नहीं होता, इनके पास कोई एटीपी जेनेटिक सिस्टम नहीं होता, ये क्या करते हैं होस्ट के एटीपी को यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री की बात करते हैं तो बेटा फर्स्ट वैक्सीन जो कि डिस्कवर की थी डेवलप की थी उससे पहले लुईस पास्चर ने और एडवर्ड जेनर ने की थी, लेकिन तब तक उन्हें आइडिया नहीं था कि वायरस होता क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या होती है। फिर देन आहिस्ता आहिस्ता
मार्टिनस ने ये किया कि उसने बताया कि वायरस क्या है और उससे उस तरह से बिगनिंग हुई किसके वायरोलॉजी की। साइज इसका बहुत बहुत स्मॉल होता है, बेसिकली नैनोमीटर्स के अंदर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंट वायरसेस हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बैक्टेरियोफेज है, एडिनो है, उसके बाद पोलियो है, वीरियोइड है, इबोला है। और आपको पता है कि जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन का डायमीटर क्या होता है, 10,000 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और ये क्या है, ई-कोलाई जो होती है, इसका क्या है? मतलब ये बैक्टीरिया है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी वायरस की जो होती है वो उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास रेड में क्या है, बेसिकली इसका न्यूक्लिक एसिड है, या तो ये डीएनए होगा या फिर क्या होगा, आरएनए होगा। यहाँ पे जो चीज नजर आ रही है आपको, इसका क्या, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या होता है बेटा, एंजाइम होता है जो डीएनए को हेल्प करता है आरएनए को रेप्लिकेशन के अंदर। देन इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, इसका प्रोटीन कोट आ जाता है, प्रोटीन का कैप्सिड है। उसके बाद जो आउटर आपको नजर आ रही है क्या है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। और इसके ऊपर क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, ये स्पाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो बेसिकली हेल्पफुल होते हैं वायरस के साथ स्ट्रक्चर के साथ बाइंडिंग में, उसकी मतलब उसमें किसी पार्टिकल में इंसर्ट होना है, अटैचमेंट में उसमें हेल्प कर देते हैं। आपको पता है कि मैं ऑलरेडी टोल्ड यू कि वायरसेस जो होते हैं वो डीएनए बेस्ड होते हैं या आरएनए बेस्ड होते हैं। ऑब्वियसली या तो वो डबल स्ट्रैंडेड होंगे या फिर वो क्या हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि प्रोटीन को। और अच्छा बच्चों, जो वायरल प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, या तो वो मैट्रिक्स होती हैं या फिर वो क्या होती हैं, फ्यूजन प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है, मैट्रिक्स होंगी और फ्यूजन प्रोटीन्स होंगे। मैट्रिक्स जो होती है वो बेसिकली इनर लेयर के साथ, एनवेलप के साथ एसोसिएट करती हैं, और फ्यूजन वाली जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, फ्यूजन से आपको उसके नाम से याद रखा करती हैं, फ्यूज करने में, अटैचमेंट में हेल्प करती हैं, क्या किसी इन्फेक्टेड सेल के साथ वायरस में अपना उसमें इंसर्ट करना है, उसके साथ अटैचमेंट करनी है, तो वहां पर जो प्रोटीन आएंगे वो कौन से आ जाएंगे, फ्यूजन प्रोटीन आ जाते हैं। देन हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि नॉन स्ट्रक्चर वायरस प्रोटीन्स होती हैं। बेसिकली वो कहाँ पे होती है, उसे कोर में प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ हमारे पास इनवेलप होते हैं और साथ में क्या होते हैं, पेप्लोमर्स, स्पाइक प्रोजेक्शन का सेकेंड जो नेम है उसको हम क्या कहते हैं, पेप्लोमर्स कह देते हैं। अच्छा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी वायरस के अंदर जो होती है उसका क्या होता है, पॉलीमरेज एंजाइम होता है। क्योंकि पॉलीमरेज ने क्या करना होता है कि जब वायरस इंसर्ट कर गया है, फ्यूज कर गया है, तो उसने क्या करना है, वहां पे उसके अटैचमेंट रेप्लिकेशन करवानी है। ठीक है, तो पॉलीमरेज हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, या तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो सकते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो सकता है, और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो सकता है। ठीक है, डीएनए डीएनए का मतलब है कि उसने एंजाइम में डीएनए से क्या बनाना है, डीएनए ही न्यू जो स्ट्रैंड बनाना है वो डीएनए का ही बनाना है। ठीक है, डीएनए टू आरएनए का मतलब है कि उसने डीएनए को यूज करना है, लेकिन नया जो प्रोडक्ट बनाना है वो उसने क्या बनाना है, आरएनए बनाना है। और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से क्या है, रिवर्स, इसका मतलब है कि इसने आरएनए से क्या बनाना है, डीएनए बनाना है। बच्चों इसलिए ये यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है, जब आरएनए से डीएनए बनाओ तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस। ठीक है, अब मोस्टली हमारे पास जो वायरसेस के न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं, लेकिन एक फैमिली ऐसी जो डिप्लॉइड होती है वो कौन सी होती है, रेट्रोवायरस फैमिली। जो यहाँ पे रेट्रोवायरस का मतलब है, रेट्रो का मीन्स कि उनमें जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, और उसमें जो डिप्लॉइड उसमें क्या होगा, उनका न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। देन हम बात कर देते हैं इसकी कैप्सिड की और सिमेट्री की। इसका आपको पता है कि हमने पीछे बात की कि न्यूक्लिक एसिड के अराउंड हमने पीछे जो फिगर में देखा था उसमें था कि प्रोटीन कोट है। ठीक है, उस प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स कहते हैं। और इस कैप्सोमर में या न्यूक्लिक एसिड में जो जीनोम और ये पूरा जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन रहा था ब्लू कलर का, जिसमें कैप्सिड प्रोटीन्स भी थी, जीनोम भी था, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन कोट जो कि कैप्सिड से मिलकर बनता है उसको हम कैप्सोमर्स कहते हैं, और हमारे पास कैप्सिड्स और साथ में डीएनए या आरएनए जो होगा उसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। जी बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नो मैम। अच्छा बच्चों, बेसिकली आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है कि इस सब्जेक्ट में मतलब के मुझे ये पढ़ाने में होती है, मतलब कि स्लाइड्स जो कुछ स्लाइड्स में है वही इसमें है। ठीक है,
इसमें इतनी कॉन्सेप्चुअल चीजें जो है वो कुछ भी नहीं है कि मैं आप लोगों को पूरी डिटेल जहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा वो मैं जरूर क्लियर करूंगी, अदरवाइज सब कुछ इसमें याद रखा है, मीन्स आप लोगों ने याद करना है, डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है, ये सब चीजें आप लोगों ने याद करनी है। हाँ, एक और चीज बच्चों मैं आप लोगों को एट द एंड बताती हूँ कि आप लोग इसके टेबल्स बनाइएगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों को भी ना एंड पे बताती हूँ, ठीक है, ये मुझे याद करवाएगा, उसके लिए आप लोगों के लिए याद करना इजी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, जो न्यूक्लिक एसिड सिमेट्री जो होती है इसमें हमारे पास आइकोसाहेड्रल आ जाते हैं, मीन्स के शेप की बात होने लगी अब, ठीक है, कि जो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियस के जो जीनोम के आउटसाइड जो कैप्सोमर जो होता है ब्लू कलर का था वो किस किस शेप में हो सकता है, वो आइकोसाहेड्रल भी हो सकता है, हेलिकल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। आइकोसा का मतलब क्या है कि उसमें 20 ट्राइंगल्स होती हैं, हेलिकल का मतलब क्या है कि वो किसमें होगा, रोड शेप में होगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि यार वो क्यूबिक भी हो सकता है और हेलिकल भी हो सकता है, उसकी एग्जाम्पल कौन सी है, पॉक्स वायरस है, ठीक है। आगे मैंने कुछ फिगर्स ऐड की हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है आइकोसा हेड्रल कैप्सिड के फिगर्स आएंगे, मीन्स कि उसने क्या था वो ट्राइंगल्स में तो क्या करता है अरेंज कर लेता है, ये चीज ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हेलिकल का हमने कहा था कि हेलिकल ने क्या करना होता है, वो उसको रिंग शेप में करता है, इस रिंग में, और ये साथ में इसके साथ कैप्सोमर और साथ में आरएनए क्या होते हैं इसके साथ अटैच हो जाते हैं, ये बेसिक क्यूबिक और आइकोसाहेड्रल है, ठीक है। ये क्या इसके लिए न्यूक्लिक एसिड है, इसको हम देख सकते हैं कि इसका ये कैप्सोमर को हम जूम करके या उसको उसमें देखते हैं हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ट्राइंगल में उसने उसको क्या किया है, उसको अरेंज किया हुआ है, इसका हेलिकल सिमेट्री आ गया, ये रेबीज वायरस और उसका इन्फ्लुएंजा का हेलिकल सिमेट्री दिखाया गया, ये कॉम्प्लेक्स सिमेट्री हमने किसी कहा था पॉक्स वायरस की, ठीक है बच्चों। पॉक्स वायरस से क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है, जो इस तरह से पॉइंट्स आते हैं जो ड्यूरिंग लेक्चर जिन पे मैं ज्यादा फोकस फोर्स करती हूँ बेटा, वो पॉइंट्स आप लोग प्लीज साथ साथ नोट करते जाए, एट द एंड जब वाइवा होता है या फिर आप लोगों के एमसीक्यूज या फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी आप लोगों को जब आएंगे तो उसमें ये होगा कि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की आती है, हमारे पास पॉक्स वायरसेस की आ जाती है, ये भी आगे हमारे पास देखेंगे, बैक्टेरियोफेज है जिसका डीएनए दिखाया गया है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस का दिखाया गया है, और ये एचआईवी का दिखाया गया है, इसमें क्या आरएनए एंजाइम है, ये बेसिकली डिफरेंट इसके प्रोटीन्स है। हम लोग आगे डिटेल में जो हमारे पास लेक्चर्स आएंगे वो हमारे पास बैक्टेरियोफेज पे आएगा और साथ में एचआईवी पे आएगा। अच्छा बच्चों, वायरल प्रोटीन को हमने पहले भी बात कर ली है कि वायरसेस प्रोटीन का काम क्या है कि वो बेसिकली अटैचमेंट में ही हेल्प करते हैं, और जब वो अटैचमेंट में हेल्प कर देते हैं तो कुछ ऐसी अदर वायरस प्रोटीन्स भी होती हैं। आपको पता है कि जब क्या है कि कोई भी चीज हमारी बॉडी में आ जाती है तो फॉरन एंटीजन, वायरस का एक फॉरन एंटीजन है, पार्टिकल है, ठीक है। तो क्या होगा कि उसने वायरसेस ने हमारी बॉडी में जाकर उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनने लग जाती है, ठीक है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। अब क्या होगा कि वायरस में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो एंटीबॉडीज को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। वो यही बात कर रहे हैं कि वायरसेस में क्या होता है, वायरल प्रोटीन्स होती हैं वो न्यूट्रलाइज करती हैं एंटीबॉडीज को, और जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको वो एक्टिवेट कर देती हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करने, एक जो न्यू टर्म मैं आप लोगों को बात डिस्कस करने जा रही हूँ वो है सीरोटाइप। सीरो बेसिकली क्या क्या है, सीरम, या इसकी हम कह सकते हैं एंटीजेंस। बेसिकली क्या है कि वायरसेस के ऊपर डिफरेंट एंटीजेंस होती हैं, उन एंटीजेंस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उन वायरसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट सीरोटाइप्स उसकी होती हैं। हम क्या करते हैं, पेशेंट का सैंपल लेते हैं, उसमें सीरम सेपरेट करते हैं, सीरम में क्या होगा, वायरस होगा, उसके एंटीजन होगी, हमारे पास जो कमर्शली प्रिपेयर्ड उसके अगेंस्ट जो भी एजेंट होगा वो उसमें हम डाल के तो चेक कर लेते हैं उसकी प्रोटीन्स को, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरोटाइप्स कहते हैं, जो बेसिकली किस बेस के ऊपर आती है, उसकी सरफेस एंटीजेंस के लिए ऊपर आती है। कुछ जो होती हैं वो स्ट्रक्चरल होती हैं जिसमें हमारे पास कैप्सिड आ जाते हैं, और जो हमारे पास पॉलीमरेज होते हैं वो किसमें आ जाते हैं, एंजाइम्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब हमारे पास सीरोटाइप्स हो जाती हैं तो क्या होता है कि कुछ वायरसेस क्या, हमने कहा था कि जो इनवेलप प्रोटीन्स होती है वो किसमें हेल्प करती है, उसके साथ उसको ट्रांसपोर्ट में अटैचमेंट में हेल्प करती है। तो वायरस क्या होता है, जब वो मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है तो देन वो क्या करता है, बडिंग के थ्रू भी वो क्या कर सकता है, सेल में इंसर्ट हो सकता है। मैं आपको आगे दिखा देती हूँ, ये क्या है बच्चों, ये है बडिंग का पूरा प्रोसीजर, ठीक है। ये क्या है, वायरस था, ये मेम्ब्रेन है, उसने क्या किया जी, जैसे ही वो मेम्ब्रेन के पास आएगा तो उसमें क्या कर्व आने लग जाएगा, मीन्स के उसके साथ अपने
एंटीजन को क्या करेगा, अटैच करेगा। वो जैसे एंटीजन के साथ अटैच करेगा उसके अगेंस्ट क्या करेगा, पूरा इंकल्स बना लेगा, ठीक है, वेजिकल बना लेगा। और ये देखें कि आप इस तरह से वो बडिंग के थ्रू वायरस क्या हो जाएगा उस मेम्ब्रेन में या उस सेल में एंटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसमिशन की, ठीक है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम किस किस बेस के ऊपर वायरसेस क्लासिफाई कर सकते हैं, हम उसके मॉर्फोलॉजी पे कर सकते हैं, उसके साइज पे कर सकते हैं, उसके टाइप्स पे कर सकते हैं, और उसकी जीनोम कंपोजिशन पे और उसके ट्रांसमिशन के ऊपर। मीन्स हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं, क्या है बच्चों, 5 कैटेगरीज है हमारे पास, ठीक है। मॉर्फोलॉजी है, साइज है, टाइप है, जीनोम है और ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है। तो आपको पता है कि मॉर्फोलॉजी तो वही कि उसका स्ट्रक्चर क्या है कैप्सिड का, वो आइकोसाहेड्रल है, वो हेलिकल है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स है, उसमें एनवेलप प्रोटीन्स प्रेजेंस हैं या एब्सेंस हैं, हर वायरस का साइज क्या होता है डिफरेंट होता है। देन हम होस्ट की बात करेंगे, वो ऑल स्लाइड्स में आ जाएंगे, होस्ट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, परमिसिव होते हैं, नॉन परमिसिव होते हैं, वो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। होस्ट कौन सा है, बैक्टीरिया है, ह्यूमन बींग्स हैं, या फिर क्या है, कोई प्लांट वायरस है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसी जीनोम कंपोजिशन के ऊपर, वो डीएनए है या आरएनए है, डीएनए या आरएनए एसएस है या फिर वो डीएस आ जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है, फिकल ओरल रूट है, एरोसोल है, रेस्पिरेटरी है, जूनोटिक एजेंट है, जूनोटिक कहते हैं बेटा कोई एनिमल से जो डिजीजेस आती हैं उनके बाइटिंग से, उसको हम जूनोटिक एजेंट कहते हैं, ठीक है, या फिर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो है एचआईवी वायरस है तो वो उसमें उनके मैकेनिज्म में आ जाते हैं। ये इसका ओवरव्यू है, ये आप लोग देख लीजिएगा एनिमल और प्लांट वायरसेस का, इसको इतना ऐसे इसमें कुछ भी डिस्कस करने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की, बल्कि उससे पहले अगर हम होस्ट की बात कर लेते हैं, चलें उसी को देख लेते हैं साथ में। अच्छा बच्चों, अब क्या होता है कि कुछ वायरस के कुछ टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि ट्रांस क्या है, कि परमिसिव होस्ट है, नॉन परमिसिव है, ट्रांसफेक्शन है या ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे दो टर्म्स हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफेक्शन है और एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफेक्शन का मतलब ये है कि हमने क्या इसमें क्या है कि जो प्यूरीफाइड एक पूरे का पूरा वायरस है वो नेकेड और उसका जो प्यूरीफाइड न्यूक्लिक एसिड है वो किसमें इंसर्ट हो रहा है, वो यूकेरियोटिक सेल में, मीन्स के डायरेक्ट वायरस जो है वो किसमें जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि आपको पता है कि आजकल वैक्सीन बनती हैं, हम इस तरह से बनाते हैं वैक्सीन, यही होता है ना कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, उससे अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है तो हम कहते हैं वैक्सीन है। तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि हम उस सेल की जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं, उसके अंदर हम कोई और जेनेटिक मटेरियल डालते हैं सराउंडिंग से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, ठीक है। ट्रांसफेक्शन क्या है कि डायरेक्ट जो हम डाल रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि उस जेनेटिक मटेरियल को हम ऑल्टर करते हैं। फिर हम बात करते हैं होस्ट की, परमिसिव होस्ट वो होता है कि जो कंप्लीट सपोर्ट करता है वायरस के लाइफ साइकिल को, मींस के वायरस को टोटली वो एटीपी प्रोवाइड कर रहा है, उसका एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या होगा, परमिसिव होगा। और जो नॉन परमिसिव होगा, जो उससे कुछ पार्ट को, मीन्स के वायरस का कुछ पार्ट जो होगा वो उस होस्ट को जो होगा वो उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, कुछ पार्ट जो होगा वो वायरस सपोर्ट करेगा। फिर इन्फेक्शन होते हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि प्रोडक्टिव होते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है, और कुछ ऐसे होते हैं नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, कि समटाइम्स क्या होता है प्रोडक्टिव का, तो मतलब आपको मीन्स आइडिया ही है कि जैसे ही वो वायरस आया उसने इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर दिया, इलनेस कर दी, तो प्रोडक्टिव आ जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं कि इन्फेक्शन जो वो कुछ वायरसेस इन्फेक्शन कॉज नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सेल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, मीन्स वो सेल की शेप चेंज कर देते हैं, उसकी कंपोजिशन चेंज कर देते हैं, लेकिन उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो वहाँ पर कोई डिजीज या कोई इन्फेक्शन कॉज कर सकें। साइटोपैथी का मतलब क्या होता है कि वायरस क्या कर रहा है, उस सेल की माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। जिसका फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा इंक्लूजन बॉर्डर्स, इंक्लूजन बॉर्डर्स क्या होती है, डैमेज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वायरस जब उस सेल में आता है तो वो जिस पार्ट को उसको डैमेज कर देता है, वो पार्ट जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू इंक्लूजन बॉर्डर्स के थ्रू वो क्या होता है, वहां पे सेपरेट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या हमारे पास है, नॉर्मल सेल है और जायंट सेल, जायंट सेल मीन्स यहाँ पे उसने क्या कर दिया, वायरस ने जी उस सेल को डैमेज करना शुरू कर दिया। या फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आप लोगों को जो ग्रीन में नजर आ रही है, ये क्या इंक्लूजन बॉडीज हैं जो कि डैमेज पार्टिकल्स हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्या था, ये था आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें हमने बात कर ली वायरसेस की, उनका क्या होगा, उनका लाइफ साइकिल क्या होता है, उनकी प्रोडक्शन ट्रांसमिशन कैसे होती है,
उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या है, देन ये कि वो उसका इफेक्ट होस्ट कौन कौन से होते हैं, परमिसिव होते हैं, नॉन परमिसिव होते हैं, ट्रांसफेक्शन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और देन उनका साइज क्या होता है. ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू इस लेक्चर के अंदर? ये क्लास में कोई इश्यू है मैम? ये जो डेट्स और हिस्ट्री वगैरह थी कि साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी की उनके नाम और वो चीजें भी इसके साथ ही आएंगी इसकी हिस्ट्री में, मतलब अगर शॉर्ट वगैरह लिखने के लिए आता है तो? नहीं नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके मैम. ओके, जस्ट जी मैम, हमने स्लाइड्स पे फोकस करना है या हमने बुक्स पे भी थोड़ी, मतलब कि बुक्स से भी स्टडी करनी है? बेटा पहले बुक्स पढ़ते हैं आप लोग? कितनी बुक्स पढ़ी हैं आज तक? मैम नहीं, हम थोड़ा बहुत फार्मा के लिए, पैथोलॉजी के लिए, तो बुक के बगैर तो नहीं होता था इसलिए. नहीं बेटा, इसका हो जाएगा कवर, आपका स्लाइड से हो जाएगा. ओके मैम. कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो चीजें मैंने स्लाइड में मैक्सिमम ऐड कर दी हुई हैं. हाँ जी, अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो बुक से कवर करने तो मैं आप लोग को बता दूंगी. ओके मैम, ठीक है. तो आप लोगों के पास होगी माइक्रोबायोलॉजी एंड वो वाली लेविंसन जैबर्ट्स जो होती हैं? No. नहीं, ये वो ऑनलाइन ही मिल जाती है बच्चों, मेरे पास सॉफ्ट में भी है, तो वो कोई इशू नहीं है. तो अगर ऐसा टॉपिक आएगा तो मैं आप लोगों को सॉफ्ट में दे दूंगी, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा. ठीक है जी. और किसी ने कुछ पूछना है? मैम आपने टेबल्स के बारे में बताना था. अच्छा बच्चों, टेबल ये है कि मैंने आपसे बात करनी है कि आगे हम लोग डिफरेंट वायरसेस की बात करेंगे. ठीक है, तो मैं ये इस तरह से हम टेबल करेंगे कि आप लोगों को याद करना तो बहुत मुश्किल होगा कि हर वायरसेस का मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो वो मैं आप लोगों को होम टास्क दूंगी. ठीक है, होम टास्क इस तरह से मैं दूंगी कि हम वायरसेस की बात करेंगे, आप लोग एक टेबल बना लें. ठीक है, एक साइड पे आप वायरसेस के नेम लिख लें और ऊपर उनकी करेक्टरिस्टिक्स लिख लें. फॉर एग्जाम्पल, पहले उसका लिख लें आप साइज क्या है, देन उसका आप लिख लें उसका डीएनए कौन सा है, डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है. ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. ठीक है, उसके बाद उसको आगे आप मेंशन कर दें कि उसका डिजीज कौन सी कॉज कर सकता है, वो उसका साइज क्या है, उसकी प्रोटीन कौन कौन सी है. तो इस वजह से अगर आप लोग को आगे जो हम लेक्चर्स बेसिकली 2-3 लेक्चर्स हैं उसमें बेसिकली वायरसेस हैं, तो बजाय कि अगर आप लोग हर दफा पूरा एक एक लेक्चर खोल के पढ़ेंगे और वही चीज को, तो मैं बच्चों को यही मशवरा देती हूँ कि जब हम वो लेक्चर आप लोग पढ़ लें तो उसमें से आप एक टेबल निकाल लें. जब आपने लेक्चर पढ़ना, आपको जब दोबारा आपने उसको रीड आउट करना, तो आप वो टेबल पढ़ेंगे तो आपको पूरे लेक्चर से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा. ठीक है, आज के लेक्चर में तो ऐसे टेबल बनाने वाली कोई चीज नहीं है, इसमें तो हमने डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस किया है, डेफिनेशंस को, तो वो आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं, उसमें याद कर सकते हैं जी. और कुछ जी क्लास, कुछ और पूछना है किसी ने? सब सो रहे हैं, जाग रहे हैं बच्चों? मैम जाग रहे हैं. ओ मैम, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं मैम. अच्छा बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देख लेते हैं फिर जी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ कैप्सिड? प्रोटीन से मैम जी. जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस कंसिस्ट ऑफ एदर डीएनए और आरएनए. ऑप्शन सी, डीएनए और आरएनए. ऑब्वियसली ऑप्शन सी है, क्योंकि हम बी को नहीं ले सकते, डबल स्ट्रैंड नहीं हो सकता. ठीक है, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सोमर. नहीं, कैप्सिड या कैप्सोमर में से आई गेस कैप्सोमर आएगा. कैप्सोमर ए जो कैप्सिड होता है, कैप्सोमर हमने कहा था कि साथ में एनवेलप प्रोटीन्स भी जो होती हैं वो सब ऐड हों तो फिर उसको हम कैप्सोमर कहते हैं. ठीक है, क्लियर? ओके मैम. ओके यस मैम. मैम अगर आउटर लेयर होगी तो कैप्सिड, अगर उसके साथ बाकी चीज आएंगे तो फिर कैप्सोमर आएगा.
हाँ प्रोटीन कोट जो होगा वो कैप्सिड है, अगर उसके साथ हम आउटर अदर चीज ऐड की वो कैप्सोमेयर है, ठीक है। यस मैम। इनवेलप इनवेलप भी उसमें ऐड करें तो फिर वो कैप्सोमेयर होता है। वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। सिंपल है, बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट वायरसेस, वो भी सारे उसमें सिर्फ वायरसेस की डिटेल है और कुछ भी नहीं है, और जो मैंने आपसे टेबल की बात की है वो उस लेक्चर में से आप लोगों के टेबल्स बनेंगे, ठीक है। वो फिर मैं आप लोगों को होम टास्क दूंगी, बच्चों एक बात याद रखें मैं होम टास्क डाल देती हूँ, ठीक है, और मुझे यही जो बच्चे नहीं फिर करेंगे वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्लियर है। ओके मैम। यस मैम। आप लोगों ने पहले कोई पढ़ा है कोर्स मेरे से? यस नो मैम, फर्स्ट टाइम। बायोकेमिस्ट्री? बायो मैम फर्स्ट टाइम पढ़े हैं। कौन सी वाली बायोकेम? 3 2 1 वन वन बायोकेमिस्ट्री वन मैम। अच्छा चलें ठीक है। ठीक है बच्चों, अभी तो मैं आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी इस वीक क्योंकि अभी एड ड्रॉप चल रहा है, ठीक है, तो वो फिर जब एड्रॉप एंड हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम ड्यूरिंग लेक्चर भी मैं आप लोगों का टाइम स्मार्ट कर दिया करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और बाकी बच्चों ईमेल जो है मैं जल्दी आ, ये भी नहीं होता कि अगर आप लोग मेरी ईमेल कर रहे हैं तो मैं उसको विद इन 5 मिनट या कुछ टाइम में फ़ौरन से रिप्लाई कर दूँगी, कुछ मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो ठीक है। और ये बात और कुछ मुझे आप लोगों से ये भी है कि बच्चों एटलीस्ट 24 आवर तो आप लोग ईमेल का वेट किया करना आप लोगों ने, ठीक है। अगर आप लोगों ने मुझे कोई ईमेल की है और मैं उस पर रिप्लाई नहीं की तो एटलीस्ट 24 आवर उसका आप लोग वेट करें, उसके बाद अगर चलें 12 आवर कर लें, 12 आवर के बाद एक मुझे दोबारा ईमेल कर दें, ठीक है। आप लोग क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं डायरेक्ट जो होती है वो ईमेल, जी मैम रिप्लाई नहीं कर रही है, कोऑर्डिनेटर्स को कर दी, HODs को कर दी, इसको कर दी, सबको ईमेल कर दीजिए मैम रिप्लाई नहीं कर रही है, और बाद में उस मेल का रिप्लाई क्या होता है, समटाइम्स कुछ रिप्लाई उसका होता भी नहीं है कि हम क्या, कुछ मेल्स ऐसी भी होती हैं कि उनका रिप्लाई बनता भी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी वेट किया करें, मैं अपने लिए बात नहीं करी, मैं सब टीचर्स के लिए बात कर रही हूँ कि आप सबको ईमेल करते हैं तो एटलीस्ट कुछ टाइम वेट किया करें, क्लियर, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके मैम। ओके मैम ठीक है। मैम एरन ड्रॉप हो गया जी? एरन ड्रॉप तो इस वीक एंड हो गया बच्चों, अभी कुछ चल रहा है कुछ बच्चों का अभी तक। ओके मैम, अभी इस वीक में है, अभी चल रहा है, 2 वीक्स हो गई है हमें, अभी एरन ड्रॉप चल रहा है। नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट उससे मैंने उसके फर्स्ट 4 लेक्चर्स की तरह से, क्योंकि अभी कुछ एरन बच्चे हो रहे हैं कुछ ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर हो जाएगा। अटेंडेंस की टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, लेकिन बच्चों अपने अटेंडेंस फिर भी आप लोगों ने पूरी रखनी है अगर उसके डिपार्टमेंट में, लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन वाले फिर पूछते हैं बाद में इतनी है, तो जो बच्चे फिर बिल्कुल शॉर्ट पे आ जाते हैं तो फिर, और फिर मुझे हम लोगों से कहते हैं कि हमारे अटेंडेंस कहें, लेकिन हमने तो एक दफा पोर्टल पे लगा दी वो लगा दी, उसको तो चेंज ही ना कर सकते, ठीक है। चलिए बच्चों ठीक है फिर, ओके अल्लाह हाफिज़। Thank you so much. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am.